8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का त्यौहार है, जिसके चलते आज शिमला में महिला दिवस को लेकर महिलाओं की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रदर्शनी में महिलाओं का प्रोत्साहन किया। साथ ही अलग अलग जिलों से स्वयं सहायता समूह चला रही महिलाओं ने प्रदर्शनी में हाथों से तैयार किए प्रोजेक्ट मंत्री धनीराम शांडिल को दिखाए। तो वहीं इस दौरान धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी की योजना को लागू कर दिया है। और ये इवेंट शुरू हो गया है, दोनों ही टीम जोर अजमाइश कर रही है, देखते हैं कौन सी टीम इसको जीतती है। दोनों जवान जवान बहुत अच्छे तरीके से दोनों टीमें अपनी जोर अजमाइश में लगे हुए हैं। दर्शक लोग जब इनकी हौसला अफजाई करेंगे तभी बड़ी बात जो मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताई है वो है कि हम लोगों ने सब प्रकार के आर्थिक संकट के बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू की सोच के अनुसार महिलाओं को जो हमने अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी कि हर महिला को जिसके पास कोई और सोशल सिक्योरिटी सेंक्शन नहीं है और किसी आसरा नहीं है उनको 1500 प्रतिमाह दिया जाएगा, वो दिया गया है। इसके लिए मैं समझता हूँ सरकार और सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये चीज़ सोची है। ये सहारा है उनके लिए जिनके पास और कोई पेंशन नहीं, जिनके पास और कोई अनुदान नहीं, जिनको और कोई सरकारी सहायता नहीं है। हाँ, जो कोई रिटायर्ड हैं जैसे आर्मी के हैं, चाहे वो CRPF के हैं, चाहे कोई और प्रकार की हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं यानी पेंशन, उनको ये लागू नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी बड़े संख्या में लगभग 5000 को तो हमने दिया ही है, ये एक बड़ी भारी आज के महिला दिवस पर भी चीज़ भी बड़ी अच्छी। और सबसे बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं इसमें आपको स्वयं ही अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी महिलाएं कितनी सचमुच में अग्रणी हैं। केवल के गृह को ही अच्छा रखती हैं परंतु हर प्रकार के क्षेत्र में, चाहे वो काम किसी करने का हाथ का हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो कोई चीज़ उत्पादन पैदा करनी हो, या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होकर वो अपना उन्होंने योगदान देना हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस के इस अवसर पर मैं एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को, सभी अपनी बहनों को, सभी माताओं को ये शुभकामनाएं देता हूँ।